हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कैसे सभी के सभी लोग माछुड़ा को हमेशा डांटते रहते हैं, फिर चाहे वो चीफ हो, आयजावा हो या फिर रियोजाकी। ये लोग बिल्कुल भी माछुड़ा को इम्पोर्टेंस नहीं देते। यही सब देख के माछुड़ा को रियलाइज होता है कि वो भी केस के काम आना चाहता है और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है, और इसी वजह से इस एपिसोड का नाम है माछुड़ा। यहाँ पे हमें मीसा की शूटिंग का सीन दिखाया जाता है, और इधर मीसा की शूटिंग चल रही होती है और दूसरी ओर यहाँ पे माछुड़ा खड़ा होता है क्योंकि वो मीसा का मैनेजर होता है। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहने के बाद वो समझ जाता है कि यार ये तो बेकार है, ऐसे कैसे काम चलेगा। वो साइड में देखता है और यहाँ पे पास में ही ओत्सुबा ग्रुप की बिल्डिंग होती है, और वो कहता है कि आज तो फ्राइडे है, जैसा चीफ ने कहा था कि सबसे ज्यादा मर्डर्स फ्राइडे की रात को और सैटरडे की दोपहर में होते हैं, और मैं भी केस के काम आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे माछुड़ा मीसा को अकेला छोड़ के भाग जाता है, और इधर वो सिक्योरिटी से बच के अंदर घुसने की कोशिश करने लग जाता है। वही दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है, और वो मन में यही सोचते हैं कि अगर मेरे पास ऐसी कोई ताकत होती कि मैं किसी का नाम और चेहरा देख के किसी क्रिमिनल को मार सकूं, तो क्या मैं उनको मारता, क्या मैं इसी तरह क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा इतना बड़ा क्राइम करे और उसको इस बात की नॉलेज भी ना हो। मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा करता। यहाँ पे लाइट सोचते सोचते रियोजाकी को देख रहा होता है, और इधर रियोजाकी एक पेस्ट्री खा रहा होता है, और रियोजाकी कहता है कि क्या हुआ लाइट, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, क्या तुम ये सोच रहे हो कि सिर्फ मुझे क्यों पेस्ट्री मिली है, तो अगर तुम टेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लाइट कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे वाटारी रियोजाकी को कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि डिटेक्टिव एरेल्डो कॉयल को एल की पहचान पता लगाने के लिए हायर किया गया है। तो ये सभी लोग ये सुन के काफी शॉक हो जाते हैं, और चीफ कहते हैं एरेल्डो कॉयल वही है ना जो एल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव है, लेकिन ऐसा करवाना कौन चाहेगा। तो यहाँ पे वातारी उस बंदे की भी इन्फॉर्मेशन निकाल देता है, और इन्हें पता चलता है कि ये बंदा योत्सुबा ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है, कीड़ा मासाही को। तो यहाँ पे इनको कंफर्म हो जाता है कि योत्सुबा कीड़ा के साथ मिला हुआ है, और क्योंकि अब उन्हें एल की आइडेंटिटी चाहिए, इसका मतलब वो एल को मारना चाहते हैं। ये तो बहुत बुरा है, अब तो हमें कॉयल की भी चिंता करनी पड़ेगी, उससे भी संभल के रहना होगा। तो रियोजा की कहते हैं नहीं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो डिटेक्टिव जो एरेल्डो कॉयल के नाम से जाना जाता है वो मैं ही हूँ। दुनिया के तीन सबसे कमाल के डिटेक्टिव्स एल, कॉयल और डेनोव, तीनों के तीनों मैं ही हूँ। अक्सर जो लोग मेरी आइडेंटिटी पता लगाने की कोशिश करते हैं वो इस जाल में फंसी जाते हैं। तो यहाँ पे रियोजाकी अपनी पेस्ट्री में से स्ट्रॉबेरी उठाता है और मोगी से कहता है कि अगर तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे तो मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी दूंगा। यहाँ पे दूसरी ओर हमें माछुड़ा का सीन दिखाया जाता है, और इधर वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि क्या उसको सच में आगे बढ़ना चाहिए या फिर वापस भाग जाना चाहिए। जब यहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज होता ही है, तभी वो कुछ लोगों को सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में बात करते हुए सुनता है, और वो लोग यही बात कर रहे होते हैं कि ये सारी मीटिंग्स वीकेंड पे क्यों रखी जाती है, अच्छा हुआ ये मीटिंग्स मंडे को नहीं होती, वरना तो मेरा ऑफिस आने का भी मन नहीं करता। ये लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं और माछुड़ा देख लेता है कि ये कौन से फ्लोर पे जा रहे होते हैं। यहाँ पे माछुड़ा 19th फ्लोर पे स्टेयर्स से आ जाता है और कहता है कि अब इतनी दूर आ चुका हूँ तो अब मैं पीछे मुड़के नहीं जा सकता। या दूसरी बार हमें रियोजाकी का सीन दिखाया जाता है, और आइवर कहता है कि अच्छा तो मेरे को बस इस बंदे से इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है ना, मेरे ऊपर छोड़ दो। और वेडी कहती है कि और मुझे उनके सिक्योरिटी सिस्टम और सर्वेलेंस कैमरा को हैक करना है ना, वो मैं संभाल लूंगी। तो रियोजाकी कहता है कि हम ये मान सकते हैं कि कीरा और योत्सुबा दोनों कनेक्टेड हैं, हम योत्सुबा के ऊपर पूरी की पूरी नजर बनाए रखेंगे और सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि किसके पास कीरा की पावर है। यहाँ पे माछुड़ा मीटिंग रूम के बाहर तक पहुंच जाता है, और अंदर जो भी बात हो रही होती है वो उसको सुनने की कोशिश करता है। यही दूसरी ओर रियोजाकी यही कहते हैं कि योत्सुबा को किसी भी हालत में ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम उनके ऊपर शक करते हैं और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर किसी को भी ये बात पता चल गई तो हम कीरा को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ पे माछुड़ा उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, और थोड़ा कंसंट्रेशन के बाद उसे सुनाई देता है कि अच्छा अगर वो हमारे बीच में आएगा तो हम उसे मार देंगे और उसके स्टॉक्स आपस में बांट लेंगे। तो माछुड़ा कहते क्या किसी को मारने के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे माछुड़ा को कीरा का नाम भी सुनाई देता है, और ये लोग यही कहते हैं कि चलो हम उसे मारने का काम कीरा के ऊपर सौंप देते हैं। तो यहाँ पे माछुड़ा को कन्फर्म हो जाता है कि ये लोग कीरा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो गेट ओपन हो जाता है और माछुड़ा आके जमीन पे गिरता है। ये लोग माछुड़ा को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ कर क्या रहे हो। वही दूसरी ओर हमें रियोजाकी का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि डर के मारे कोई भी स्टेप खुद मत लेना। तभी यहाँ पे वातारी का मैसेज आता है, वो कहता है कि मुझे अभी अभी माछुड़ा की बेल्ट से एक इमरजेंसी सिग्नल मिला है। तो रियोजाकी कहता है अरे कहाँ है वो, तो वातारी बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सिग्नल योत्सुबा के मेन टोक्यो ऑफिस से आ रहा है। यहाँ पे माछुड़ा कहता है मेरा नाम है तारो मात्सुई और मैं योशिडा प्रोडक्शंस का एक एजेंट हूँ, हम चाहते हैं कि आप हमारी मल्टी टैलेंटेड स्टार मीसा अमाने को अपने कमर्शियल्स में यूज करें एज अ स्पोक्स पर्सन। यहाँ पे रियोजाकी कहता है अब जो भी मैंने कहा था वो सब भूल जाओ, अब हमें नया प्लान बनाना होगा। माछुड़ा बेवकूफ कहीं का। यहाँ पे इनमें से दो मेंबर्स माछुड़ा की तलाशी लेते हैं, और उन्हें यहाँ पे मीसा के कुछ फोटोज और विजिटिंग कार्ड्स मिलते हैं जिसमें तारु मात्सुई नाम लिखा होता है, और ये लोग यही कहते हैं कि इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हमें इस पे शक हो। तो माछुड़ा मन में यही कहता है
कि ये लोग तो बस यहाँ पे बैठे हुए हैं और अंदर बाकी लोग ये सोच रहे होंगे कि वो मुझे मारे कैसे। लगता है मेरा खेल तो खत्म। पता नहीं उनको मेरा इमरजेंसी सिग्नल मिला भी होगा या नहीं, और पता नहीं रियुसा की मेरी मदद करेगा भी या नहीं, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तभी यहाँ पे माचुरा का फोन रिंग होता है और ये लोग कहते हैं कि ठीक है उठा लो, बट स्पीकर पे रखना, हम भी सुनना चाहते हैं क्या बात करते हो। इधर माचुरा कॉल उठा लेता है और वहाँ पे रियुजाकी होता है और वो माचुरा के दोस्त की तरह बात करता है, कहता है यो मात्सुई, मैं असाही बोल रहा हूँ, काफी समय हो गया यार, कहाँ घूम रहे हो तुम? तो माचुरा कहता है हाँ असाही, क्या हाल है? तो रियुजाकी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तुम बाहर घूम रहे हो, घर पहुंच गए इतनी जल्दी? तो मात्सुई कहता है हाँ। तो रियुजाकी कहता है कि क्या तुम अकेले हो? तो माचुरा कहता है हाँ मैं अकेला हूँ। तो रियुजाकी इन सबको बताता है कि इसका मतलब मीसा हमारे कहीं और ही है और माचुरा अकेला है। यहाँ पे रियुजाकी कहता है तो क्या कहीं पीने वीने चले, क्या प्लान है बताओ? तो माचुरा कहते हैं अभी नहीं आ सकता, मुझे माफ करना। तो रियुजाकी कहते हैं अच्छा दोबारा पैसे की दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? तो माचुरा कहते हैं दिक्कत, हाँ 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 पैसों की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत चल रही है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे रियुजाकी सबको बताता है इसका मतलब माचुरा खतरे में है। तो रियुजाकी कहते हैं चलो ठीक है यार, फिर कभी और मिलते हैं, बाय। तो यहाँ पे माचुरा कहते हैं तो आप बताइए मीसा मीसा के बारे में, आप उसको यूज करना चाहते हैं? तो ये मेंबर यही कहता है कि अच्छा अगर तुम किसी के बारे में यहाँ पे आए हो तो तुम्हें उसे साथ नहीं लेके आना चाहिए था, या तुम सच में उसके मैनेजर हो भी? तो माचुरा कहता है अभी उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है और जैसे वो वहां से फ्री होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे लाइट मीसा को कॉल करता है लेकिन मीसा का कॉल नहीं लगता और वो उसको मैसेज ड्रॉप कर देता है। रियुजाकी कहता है अगर माचुरा मारा जाता है तो इससे पक्का साफ हो जाएगा कि योत्सुबा कीरा के साथ मिला हुआ है, तो अभी के लिए हम बस बैठ के देख ही सकते हैं। यहाँ पे हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यही बात कर रहे होते कि अब इसका क्या करें, हमें नहीं पता कि इसने हमारी बात सुनी है या नहीं, लेकिन चाहे कितने भी चांसेस हो हमें उसे मारना ही होगा। यहाँ पे दूसरे मेंबर्स कहते हैं कि हो सकता है ना कि वो सच में मीसा मीसा को इंट्रोड्यूस करने ही आया हो, या फिर वो कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। तो दूसरा मेंबर कहता है नहीं, जापानीज पुलिस ने पहले अपने हाथ पीछे खींच लिए है और वो कीरा को पकड़ने में कोई मदद नहीं करने वाले। तो यहाँ पे ये लोग यही बात करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है और कहाँ से आया है, हमें उसे मारना होगा। यहाँ पे मीसा फ्री हो जाती है और वो जब अपना फोन चेक करती है तो वो लाइट को कॉल करती है और यहाँ पे लाइट माचुरा के बारे में पूछता है लेकिन मीसा कहती है नहीं वो तो कब का छोड़ के भाग गया मुझे। तभी यहाँ पे मीसा को दूसरे फोन पे कॉल आता है और वो कॉल माचुरा का ही होता है। यहाँ पे लाइट रियुजाकी को बता देता है कि माचुरा का कॉल आ रहा है मीसा को, तो रियुजाकी यही कहता है कि मीसा को बोलो दोनों फोन पास में पकड़ के रखे जैसे कि हम भी उसकी बात सुन पाए, और स्पीकर पे रखना। तो यहाँ पे माचुरा कहता है कि मीसा मीसा अगर आपकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है तो योत्सुबा के मेन ऑफिस में आ जाओ, आपको योत्सुबा के कमर्शियल्स में आने का चांस मिल सकता है, अभी मैं उनके साथ बातचीत ही कर रहा हूँ। तो मीसा कहती क्या बात है माचुरा, इसका मतलब तुम यही काम करने गए थे? ठीक है मैं अभी आ जाती हूँ, बस थोड़ा सा समय लगेगा टैक्सी से। यहाँ पे रियुजाकी कहता है कि लाइट एक चांस है कि हम माचुरा को बचा सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें मीसा की जरूरत पड़ेगी और मीसा तुम्हारी बात जरूर मानेगी। यहाँ पे मीसा इन लोगों से मिलने आ जाती है और माचुरा भी साथ ही होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि इसका मतलब माचुरा कोई एजेंट वगैरह नहीं है बल्कि वो सच में मीसा मीसा का मैनेजर है। तो मीसा कहती है कि वैसे भी ये योत्सुबा की बात है तो हमने इनके लिए स्पेशल रिसेप्शन भी रखी है। तो यहाँ पे ये लोग एक होटल में आ जाते हैं और यहाँ पे पहले से सर्वेलेंस कैमरास लगे होते हैं और ये प्लान रियुजाकी का ही होता है। मीसा मीसा ने अपने काफी फ्रेंड्स को बुलाया होता है और ये सारे मेंबर्स तो पहले सोचते हैं कि ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है यार, मतलब ये तो गलत है, हम इस मैनेजर को अकेला भी नहीं छोड़ सकते, करे क्या। तो इनमें से एक मेंबर बोलता है बाहर में जाओ मैं तो एंजॉय करने वाला हूँ। तो ये सब लोग यहाँ पे हल्के में ले लेते हैं और एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। माचुरा मन में कहता है कि रियुजाकी और बाकी सब ये सब देख पा रहे होंगे, ये सभी यहाँ पे ड्रिंक वगैरह करने लग जाते हैं और इधर माचुरा भी एक्टिंग करते हैं कि उसको चढ़ चुकी है और वो अपना फोन लेके वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाते ही वो रियुजाकी को कांटेक्ट करता है और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रियुजाकी को दे देता है कि उस मीटिंग में 8 लोग थे और वो कीरा के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग ये बात कर रहे थे कि वो कीरा से अब अगला किसको मरवाएं। ये लोग ये सुन के शॉक हो जाते हैं और माचुरा कहते हैं हाँ मैंने बिल्कुल साफ साफ उनकी बातें सुनी थी। तो रियुजाकी कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम जल्द ही मरने वाले हो माचुरा, क्योंकि अगर तुमने उनकी बात सुनी है तो वो तुम्हें मारने की कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन एक तरीका है तुम्हें बचाने का, अभी तक तुम जिंदा हो इसलिए हम तुम्हें बचा सकते हैं, इस वजह से तुम्हें उनके मारने से पहले खुद मरना होगा, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे रियुजाकी माचुरा को अपना प्लान बता देता है और यहाँ पे माचुरा के पसीने छूट जाते हैं, वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। इधर ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे माचुरा आता है और उसने काफी ज्यादा पी रखी होती है, इस वजह से उसको बहुत नशा हो चुका होता है। वो कहता है मेरे तो होश उड़ गए यार, बहुत मजा आ रहा है, मजे करो, अब मैं तुम्हें अपना एक कमाल का स्टंट दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे माचुरा रेलिंग पे चढ़ जाता है और उस पर चलने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो वहां पे हैंड स्टैंड करता है। यहाँ पे ये लोग आकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन माचुरा पीछे नहीं हटता और हैंड स्टैंड करने के बाद वो वहां से नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मोगी ने यहाँ पे एक मैट्रेस पकड़ रखा होता है और माचुरा उस मैट्रेस पे गिर के बच जाता है और पीछे से यहाँ पे चीफ एक बोरी नीचे फेंक देता है जिससे कि इन सबको लगता है कि वो नीचे गिर चुका है। और यहाँ पे नीचे आइवर ने काले कलर की विग पहन रखी होती है और वो जमीन पे पड़ा होता है। इधर वेडी भी खड़ी होती है और वो देख के शॉक हो जाती है और सोचती है
है कि क्या हुआ, ऊपर से कोई कूद गया क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे ऊपर ये सब बहुत ज्यादा शौक में हो जाते हैं और मीसा कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम इन सबको संभाल लेंगे, लेकिन कमर्शियल के बारे में ध्यान रखना। तो ये लोग भी यही कहते हैं, हाँ बहुत बुरा हो जाएगा अगर हम प्रेस के सामने आएंगे तो, और हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी खराब होगी, तो यहाँ से निकलते हैं। इधर एम्बुलेंस होती है और ये लोग आइवर को उठा के लेके जाते हैं एम्बुलेंस के अंदर, और योत्सुवा ग्रुप के मेंबर्स यही सोचते हैं कि अच्छा हुआ हमने इसको अपनी आंखों से मरता हुआ देख लिया। और इधर एम्बुलेंस के अंदर आइवर, लाइट और रियोजाकी होते हैं, और रियोजाकी कहता है कि ये बहुत बुरी बात है कि हमारे पास और लोग नहीं है, क्योंकि मेरे को ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मात्सुरा तुम बेवकूफ हो। इधर हमें कीड़ा का सीन दिखाया जाता है और वो इधर न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि मीसा माने के मैनेजर की डेथ हो चुकी है, और इधर कीड़ा को एरेल्डो कॉयल का फोन आता है जो कि असलियत में आइवर ही होता है, और वो कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे $2 मिलियन चाहिए एडवांस में, और काम खत्म होने के बाद $8 मिलियन चलेगा तुम्हें। तो कीड़ा ये बात मीटिंग में बताता है और वो लोग ये कहते हैं अच्छा उसे इतना सारा पैसा चाहिए। तो कीड़ा कहता है इतना ही नहीं, अगर हम उसको केस देते भी नहीं है तब भी उसको सिर्फ चुप रखने के लिए हमें $2 मिलियन देने पड़ेंगे, ये कोई छोटी रकम नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि इसका मतलब कॉयल को पहले से हमारे बारे में बहुत कुछ पता है, ये तो बहुत गलत है। तो इनमें से एक बंदा जिसका नाम हथौड़ी होता है वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा है, इस हिसाब से तो हम सारे के सारे पकड़े जाएंगे, मेरे को इन मीटिंग्स में पार्ट नहीं लेना, मुझे प्लीज निकाल दो। मुझे नहीं पता कि कीड़ा कौन है, लेकिन मैं इन सब में नहीं फंसना चाहता, मैं अरेस्ट नहीं होना चाहता। तभी यहाँ पे दूसरा मेंबर कहता है हथौड़ी शायद तुम कल मारे जाओगे, और ये सारे के सारे मेंबर्स हथौड़ी को काफी बुरी नजरों से देखते हैं, और हथौड़ी यहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाता है, वो कहता है अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, चिंता मत करो, अब आगे क्या करोगे ये बताओ। तो ये सभी लोग हथौड़ी को इग्नोर करते हैं और वो कहते हैं कि हम उसको पैसे दे देते हैं, क्योंकि कॉयल काफी ज्यादा स्किल्ड है और हमें ऐसे लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी अगर हम उसको पैसे देंगे तो वो अपना मुंह बंद ही रखेगा। तो हथौड़ी कहते हैं हाँ हाँ उसे पैसे दे देते हैं, लेकिन ये सभी हथौड़ी को इग्नोर करते हैं, और इधर हथौड़ी के भाई पसीने छूट जाते हैं, और कीड़ा कहता है कि चलो ठीक है हम कॉयल को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। इधर वैडी ने योत्सुवा ग्रुप के सारे सर्वेलेंस कैमरा को हैक कर लिया होता है और उनके सिक्योरिटी सिस्टम में भी घुस चुकी होती है, जिससे कि रियोजाकी के पास योत्सुवा के सारे सर्वेलेंस कैमरा का एक्सेस आ जाता है। क्या मैं मात्सुरा काफी खुश होता है और कहते देखा एक हफ्ते पहले मैं जब से वहां गया था तब से चीजें काफी आसान हो गई है कि नहीं। ये लोग यही सोचते हैं कि इनमें से कोई एक ही कीड़ा हो सकता है, और यहाँ पे ये लोग अपनी मीटिंग शुरू करते हैं, और चीफ कहता है कि लेकिन ये तो 8 होने चाहिए थे ना, यहाँ पे 7 क्यों है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।